हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ऑप्शन ए हमारा है जेड प्लस पी बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी है जेड माइनस पी बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी है जेड प्लस पी वाई डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड ऑप्शन डी है जेड माइनस पी वाई डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई 2015 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का और एसएससी जेई में ये पूछा गया 2015 में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है सबसे पहले, और ये किस प्रकार प्रूव होता है। तो जब हम यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन इक्वल्स टू बर्नौलीज इक्वेशन। यूलर इक्वेशन क्या होता है हमारा, डी पी बाय रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा यूलर इक्वेशन होता है। तो इंटीग्रेशन डी पी बाय रो प्लस इंटीग्रेशन वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन जी डी जेड इक्वल्स टू जीरो, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड इक्वल्स टू जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा जो इसमें हम बोथ साइड जी से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा इक्वेशन पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। तो रोजी हमारा जो इसमें है वो है डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू है जो क्वेश्चन में ऑप्शन में दर्शाया गया है कि रोजी के जगह डब्ल्यू लिया गया है, तो एक ही है। तो ये हमारा हो गया बर्नौलीज इक्वेशन, जहाँ पे पी बाय रोजी इक्वल्स टू है प्रेशर हेड वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड, एंड जेड जो हमारा है वो पोटेंशियल हेड, ठीक है, जेड को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल हेड, सॉरी पोटेंशियल हेड। तो इस प्रकार हमारा पोटेंशियल हेड, इस प्रकार हमारा बर्नौली इक्वेशन प्रूव हो गया। तो इस इक्वेशन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन बी सी एंड डी ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो हमारा जो बर्नौली इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया, ठीक है। जेड प्लस पी बाय रो पी बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।